वीओए न्यूज मिनट के साथ मैं हूं आयशा तंसीन। मिस्र में फौज की तरफ से बेदखल किए जाने वाले सदर मोहम्मद मुर्सी को अदालत ने 2011 में हमास के साथ मिलकर जेल तोड़ने के इल्जाम में हिरासत में रखने का हुक्म दिया है, जबकि उनके हामी और मुखालिफ आज काहिरा में बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं। ट्यूनिस में अपोजिशन रहनुमा और हुकूमत के एक बड़े नकाद मोहम्मद अलब्राहिमी के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे आज भी जारी रहे, जबकि मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन की तरफ से हड़ताल की गई। अकवामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के मुताबिक शाम में खाना जंगी और तशद्दुद की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। और पोप फ्रांसिस जुमेरात को वर्ल्ड यूथ डे की तकरीब के लिए जब ब्राजील के मशहूर साहिल कोपाकाबाना पहुंचे तो 10 लाख अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। आप देख रहे थे वीओए न्यूज मिनट। मजीद खबरों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com।